हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्मार्ट वाइजर। तो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी 5 फ्री एप्लीकेशंस बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से, और वो भी अपने स्मार्टफोन के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा। अगर आप YouTube पे चैनल बनाने की सोच रहे हैं तो DSLR खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने फ़ोन से ही वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बस एक माइक खरीद लीजिए और थोड़ी बहुत अच्छी लाइटिंग में बैठ जाइए, वहाँ पर अपनी वीडियोज़ को शूट करके अपने फ़ोन के ऊपर एडिट करके वीडियोज़ यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। तो गाइज़, मेरी लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे एप्लीकेशन है वीडियो एडिटर फॉर YouTube वीडियो गुरु। सो गाइस, नाम बहुत ही सिंपल है बट ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही सिंपलिस्टिक है एंड बहुत सारे फीचर्स है इसके अंदर। एंड गाइस, ये जो सॉफ्टवेयर है, मैं अपनी सारी वीडियोस ऑलमोस्ट इसी से एडिट करता हूँ। आपको सिंपली अपनी जो क्लिप्स हैं, जो जो आपने शूट किए हैं, इस एडिटर के अंदर ऐड करनी है एंड फिर उसके बाद आपकी टाइमलाइन आपके सामने आ जाएगी। एंड गाइस, इस वीडियो एडिटर के अंदर आप क्लिप्स को कट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर इसकी स्पीड इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ भी कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। एंड अगर आपने जो वीडियो शूट किया है वो डार्क है तो आप उसको ब्राइट भी कर सकते हैं, कलर लॉस बिल्कुल नहीं होता, काफ़ी अच्छे तरीके से ब्राइट कर देती है। एंड गाइस, आप इसके ऊपर बाद में वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, जैसे कि इस वक्त मैं भी वॉइस ओवर ही कर रहा हूँ, इसी एप्लीकेशन के ऊपर मैं एडिट कर रहा हूँ। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे आती है। एंड गाइस, इस एप्लीकेशन के अंदर आप अलग अलग क्वालिटी के अंदर वीडियोस को सेव कर सकते हैं। एंड सबसे कमाल की बात है, ये जो एप्लीकेशन है एकदम फ्री है, आपको किसी भी चीज़ के कोई पैसे नहीं देने। सो गाइस, नंबर 2 पे मेरी लिस्ट में आता है काइन मास्टर। ये जो सॉफ्टवेयर है वो मोबाइल पे वीडियो एडिटिंग के मामले में किंग है। इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं एंड सबसे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है मैं कहूँगा मोबाइल एडिटिंग के अंदर। तो आप इसके अंदर जो है सिंपली अपनी जो क्लिप्स हैं या फिर इमेजेस हैं उनको ऐड कर सकते हैं। और जो इसका सबसे ज़बरदस्त फीचर है वो ये है कि आप किसी भी पिक्चर को एक सिनेमेटिक शॉट दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक पिक्चर के ऊपर सिनेमेटिक शॉट दूंगा जिससे आपको सिंपली जूम करना है एंड उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपकी पिक्चर को जो है सिनेमेटिक शॉट की तरह मूव करेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है एंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। आप अपनी कन्वीनियंस और लाइकिंग के अकॉर्डिंग इस सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो प्लान कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिनेमेटिक कैमरा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली एक पिक्चर क्लिक कर लीजिए एंड इस सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है सिनेमेटिक शॉट का इफेक्ट दे सकते हैं। एंड गाइज, इसके ऊपर आप जो है अलग अलग इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। लाइक अगर आपको नंबर 1 दिखाना है तो आप यहाँ पर टाइटल डाल सकते हैं एंड इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो भी आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग आप उसको जो है सेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड आपकी वीडियो को प्रोफेशनल बना देता है। एंड गाइज, यही नहीं, आप इसके ऊपर जो है टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आप कोई कुकिंग की वीडियो बना रहे हैं, उसके कोई इंग्रेडिएंट्स बताना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एंड उसके ऊपर भी आप अलग अलग इफेक्ट्स डाल सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप कोई कुकिंग की वीडियो बना रहे हैं एंड उसके अंदर आप वीडियो को जो है जो इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है अगर आप उसको फास्ट करना चाहते हैं, या फिर अगर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आप उसके अंदर स्लो मोशन डालना चाहते हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वीडियो की स्पीड कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर जो आपका व्यूअर है वो बोर ना हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट म्यूज़िक भी अपनी वीडियो के ऊपर ऐड कर सकते हैं, वो भी आपकी टाइमलाइन के ऊपर आ जाएगा एंड अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको म्यूज़िक कहाँ पर देना है और कैसे देना है वो आप सेट कर सकते हैं। गाइज, यही नहीं, इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको जो है वॉइस ओवर का फीचर भी मिल जाता है। लाइक अगर आप पहले वीडियो शूट कर रहे हैं एंड बाद में वॉइस ओवर करना चाहते हैं, या आपने कोई स्क्रिप्ट बनाई हुई है, तो आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर वो कर सकते हैं। गाइज, मेरे लिस्ट में नंबर 3 पे आता है व्लॉगेट। अगर आपको काइन मास्टर या फिर वीडियो गुरु समझ में नहीं आया तो आप इस सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है एंड इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ये भी सॉफ्टवेयर जो है स्पेशली यूट्यूब के लिए बनाया गया है एंड इसके अंदर आपको जो है सेम उन्हीं सॉफ्टवेयर की तरह अपनी क्लिप्स को ऐड करना है, उसके ऊपर आपको जो है अलग अलग ट्रांजिशन इफेक्ट्स डालने हैं, जो कि आपकी वीडियो को थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक दे देता है एंड बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है ये सॉफ्टवेयर भी यूज़ करने में। इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको सारे सेम फीचर्स मिल जाते हैं जो कि पहले 2 सॉफ्टवेयर में मिलते हैं, बट थोड़ा सा यूज़र इंटरफेस चेंज है, जो कि आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं एंड यूट्यूब के ऊपर एक प्रोफेशनल और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव वीडियोस डाल सकते हैं। तो गाइस, ये तो हो गई वीडियो एडिटिंग की एप्लीकेशन जिससे आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अपनी वीडियोज़ को एडिट करके यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं।
बट थोड़ा सा और प्रोफेशनल टच लाने के लिए आपको अपने चैनल के नेम से इंट्रो भी बनाना होगा। तो इंट्रो बनाने के लिए जो एप्लीकेशंस मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं, सो पिक्सल फ्लो जो है सबसे बेस्ट इंट्रो मेकर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है एंड काफ़ी ज़्यादा ईजी टू यूज़ है। एंड अगर आप इसकी रेटिंग देखें गूगल प्ले स्टोर पर तो वो भी 4.5 है। एंड गाइज, मैंने पर्सनली बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, बट मुझे ये जो पिक्सल फ्लो है वो सबसे बेस्ट इंट्रो मेकर लगा। तो मैंने सिर्फ इस वीडियो के अंदर सिर्फ इसी सॉफ्टवेयर को डाला है। तो चलिए मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ किस तरीके से अपनी इंट्रो को जो है इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। आपको इस सॉफ्टवेयर के ऊपर काफ़ी सारे फ्री टेम्पलेट्स देखने को मिल जाते हैं, तो जो भी टेम्पलेट आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है उसको सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए। एंड उसके ऊपर अपने जो चैनल का नेम है आप उसको यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंटर कर लीजिए। एंड आपकी चैनल का जो इंट्रो है वो जस्ट सिंपली क्रिएट हो गया है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बट अगर आपको बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी बैकग्राउंड आपको अच्छा लगता है आप उसके अकॉर्डिंग अपने इंट्रो को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी वीडियोज़ को और ज़्यादा प्रोफेशनल लुक्स दे सकते हैं। तो गाइज, वीडियो एडिट हो गई, इंट्रो भी बन गया, बट अगर उसका थंबनेल ही अट्रैक्टिव नहीं होगा तो वीडियो को देखेगा कौन? तो थंबनेल वो होता है जो कि हर वीडियो की डिस्प्ले पिक्चर होती है। तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो एप्लीकेशंस हैं उनमें से सबसे बेस्ट कैनवा ग्राफिक डिज़ाइन एंड वीडियो पोस्टर लोगो मेकर है। तो गाइज, मैंने काफ़ी सारी एप्लीकेशंस यूज़ की हैं, बट ट्रस्ट मी, ये जो एप्लीकेशन है सबसे ज़्यादा बेस्ट है आपका थंबनेल बनाने के लिए। एंड आप इसके ऊपर सिर्फ अपने यूट्यूब का थंबनेल ही बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट इनवाइट्स भी बना सकते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी या फिर अलग अलग पोस्टर्स इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसके ऊपर आपको अप्रॉक्सीमेटली 60,000 टेम्पलेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो उनमें से जो भी टेम्पलेट आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे आप उसको सिलेक्ट करके सिंपली अपनी वीडियो के टाइटल के अकॉर्डिंग उसको एडिट कर सकते हैं और अपने यूट्यूब की वीडियो के ऊपर उसको थंबनेल बना सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। गाइस, इस वीडियो को किसी भी कंपनी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, ये सब जो है मैंने खुद ट्राई किए हैं, इसलिए मैं आपके आगे लेके आया हूँ ताकि आपको जो है खुद से हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ ना करना पड़े। सो गाइज, ये थी वो 5 एप्लीकेशन जिनसे आप अपनी वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लुक्स दे सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो गाइज, दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं एंड आपने ये फेस पहली बार देखा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना। सो मैं आपसे अगली वाली वीडियो में मिलता हूँ। अंटिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।